हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज लोग हम लोग डिस्कस करेंगे ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट रिले जो होता है उसमें ओवर करंट की और अर्थ फॉल्ट की सेटिंग कैसे की जाती है। ओके, तो ये हम लोग के पास है माइकम P122 का रिले है, ओवर करंट अर्थ फॉल्ट का रिले है माइकम का P122, उसका मॉडल नंबर है। तो उसके ये जो ओपन वाला बुक ओपन का जो ऑप्शन है उसको हम क्लिक करेंगे तो ये एलईडी ग्लो करेगा। देखिए, ये हम लोग का भी ये डीबीसी इनकमर का फीडर है, डीबीसी इनकमर का फीडर है और ये अभी इतना करंट ले रहा है आर फेज में इतना वाई और बी फेज में। तो इसमें हम चेक करेंगे कितना सेटिंग पे ये ओवर करंट का है और अर्थ फॉल्ट का सेटिंग कितना है और उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। ओके, तो इसको अभी डाउन बटन करेंगे। डाउन बटन जब प्रेस करेंगे लिखा होगा ओपी पैरामीटर, इसको राइट क्लिक करेंगे। ऑर्डर्स लिखा है, उसको राइट क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ओके। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जब लिखा है ना, उसको नीचे अभी कॉन्फ़िगरेशन लिखा दिख गया है, उसको नीचे वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये लिखा है डिस्प्ले। अभी राइट वाला बटन प्रेस करेंगे तो उसका लिखा है सिटी रेशियो, उसमें हम चेक कर सकते हैं सिटी रेशियो कितना है। अभी यहाँ अगर देखेंगे सिटी रेशियो तो सिटी रेशियो चेक कर सकते हैं। देखो, ये सिटी लिखा है लाइन सिटी प्राइमरी में 1000 का है और उसका सेकेंडरी में 1 एम्पियर है। तो अभी इसको कैंसिल वाला जो ये की है उसको प्रेस करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। अभी सिटी रेशियो राइट पे क्लिक करेंगे, कैंसिल, सॉरी आ गया, और कॉन्फ़िगरेशन नीचे डिस्प्ले सिटी रेशियो मेजरमेंट कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन जी है ना उसमें हम चेक कर ये देखेंगे कितने पे करंट पड़ा हुआ है और वो कॉन्फ़िगरेशन पे सिटी का कॉन्फ़िगरेशन पड़ा रहता है, कितना सिटी का सेटिंग करना पड़ता है उसका। 1000x1 का सिटी है कि 500x1 का सिटी है तो उसी से हमको सेटिंग करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशन। ये प्रोटेक्शन जी में हम देखेंगे कि कितना करंट पे सेटिंग पड़ा हुआ है उसका ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट का। इसमें देखिए लिखा है 50/51 फेज ओवर करंट, 50 होता है इंस्टेंटेनियस ओवर करंट ट्रिप और IT 51 होता है IDMT ओवर करंट ट्रिप। ओके, अभी इसको नीचे करेंगे तो लिखा है आई ग्रेटर देन, मतलब आई सिंगल ग्रेटर देन का जो सेटिंग किया गया वो ES है और वो कितना है 0.6 ऑफ नॉमिनल करंट। प्राइमरी में हम लोग का सिटी रेशियो कितना का है, 1000/1 का है। तो 1000/1 मतलब ये 0.6 ऑफ IN, मतलब 1000 का 0.6 कितना हो गया 600 एम्पियर। ये 600 एम्पियर का आई सिंगल ग्रेटर देन का जो ओवर करंट का है ये 600 एम्पियर पड़ा हुआ है। अगर मान लो इसको हम मैंने अभी चेंज करना चाहता हूँ 0.7 करना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से अगर लोड अगर बढ़ गया तो उसी हिसाब से मुझे भी यहाँ IDMT जो रिले होता है उसमें हम चेंज करना पड़ता है। तो क्या करेंगे अभी ये क्या उसका जो बीच वाला जो एंटर का बटन है उसको दबा देंगे। ये पासवर्ड मांग रहा है 4 times A लिखा है ये, इसको फिर से हम एंटर करेंगे तो ये पासवर्ड ले लिया। ओके, पासवर्ड ले लिया। अभी हम फिर से उसको एंटर करेंगे 20 बार तो लिखा, अभी देखो आ गया उसमें सेटिंग करने के लिए। इसको हम ऊपर की दबाएंगे तो बढ़ रहा है, अगर डाउन वाला करेंगे तो वो घट रहा है। तो हम उसको बढ़ा के घटा के फिर से एंटर करके हम लोग का सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं। ओके, उसी हिसाब से हम देखेंगे ये क्या लिखा है, ये डिले टाइम IDMT का होता है इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम। ओके, फिर हो गया IDMT, ये सेटिंग हो गया। आई डबल ग्रेटर देन आई और ट्रिपल ग्रेटर देन इंटरलॉकिंग नो है, टाइम 4 मिलीसेकंड है। ओके, ये इसमें आया है आई डबल ग्रेटर देन का जो प्रोटेक्शन है वो भी ES है और वो कितना पड़ा हुआ है ना 4.5 ऑफ नॉमिनल करंट। नॉमिनल करंट 1000/1 का सिटी पड़ा है तो 1000 का 4.5 मतलब ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 4500 का करंट। मतलब 4500 करंट अगर जाएगा आई डबल ग्रेटर देन तभी ये इंस्टेंटेनियस ट्रिप कर लेगा। ओके, उसका देखो टाइम सेटिंग ये DMT है, DMT मतलब ये डेफिनाइट मिनिमम टाइम, मतलब वो इंस्टेंट करंट होते होते हुए वो ट्रिप कर देगा। ओके, ऐसे हम सेटिंग उसको जैसे कि आई सिंगल ग्रेटर देन सेटिंग जैसे किए थे आई डबल ग्रेटर देन सेटिंग भी ऐसे ही कर सकते हैं, एंटर को दबा के कर सकते हैं। ओके, अभी ये कैंसिल करना हो तो इसको कैंसिल का बटन ही दबा के ये कर सकते हैं। ओके, ओके गाइस, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।